नमस्कार दोस्तों, सावन का ढेर सारा शुभकामनाएं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का। आज हमारे घर में बन रहा है घेवर, और देखिए सुबह सुबह लाला जी तैयारी कर लिए हैं। और घेवर कैसे बनता है वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो लाला जी के ढाबा पे विजिट करें और देखें कि कैसे इतना आसान तरीके से घेवर बनाना बताए हैं। और पिछले साल मैं भी घेवर बनाई थी, इस साल तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन अभी बेटर है, मैं भी एक बना लूँगी। तो आप लोग सावन में क्या क्या बनाते हैं, कौन कौन सा मिठाई बनाते हैं? तो लगे हाथ दोस्तों राखी आ रहा है और सब त्यौहार आ जाएंगे, तो आप लोग भी खूब इंजॉय कीजिएगा। आज तो हमारे यहाँ शिव चर्चा है शंकर जी के पास, तो शिव चर्चा दीदी करवा रही हैं शिव चर्चा, तो आज देखिएगा आप लोग ब्लॉग में, अच्छा लगेगा। तो अभी सुबह सुबह बन रहा है घेवर, शिव जी के लिए प्रसाद बन रहा है, लाला जी सुबह से ही बना रहे हैं। आज तो हम लोग भाई 7 बजे गरीबी आ गए थे और हम लोग तो भूल ही गए थे कि व्लॉग व्लॉग भी करना है। आज घेवर बनाते हैं, आज शिव चर्चा है अपने मंदिर पे। अरे मंदिर में पूजा हो ही रही है, आपको दिखाता हूँ, पूजा हो रही है मंदिर में और आज शिव चर्चा यहीं पर ही होगी। तो सावन में कैसे घेवर बनाए, इसके लिए पापा ने बहुत पहले रेसिपी अपने चैनल पर शेयर कर रखी है। ये तो पापा भी कढ़ाई में बना रहे हैं, आपको प्रॉपर और आसान तरीके से बता रखा है, वो भी बना सकते हैं। और एक पापा बोल रहे हैं कढ़ाई की वीडियो भी जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और बहुत आसान होता है बनाना, बस ये है कि थोड़ी सी ट्रिक चीज़ है ना पापा, ट्रिक आप सही से करेंगे तो हो जाएगा। देखो भाई आज का मौसम कितना अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे, तो जो भी बोलो एकदम सुहाना मौसम है। और फूल खिले हैं गार्डन में गुलशन गुलशन, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया फूल खिले हुए हैं। देख रहे हो कितने सुंदर फूल खिले हैं पूरे गार्डन में, बहुत सुंदर सुंदर। क्या हुआ बस सखी किस लाए हुआ की माई का पांव आज बड़ी पानी भरवा गई हमको आता नहीं की किसी आई दिया ना काय कहती आज कॉल के ना अमरुद पकल बटे तो शंकर भगवान ने पूजा ही तो मटाई हमका ने चल बांट दे मैं सारा तू रहता नहीं। हां तो ठीक है बा, कब पूजा हुई? चर्चा हुई कब बजे खानी? 12 बजे से चर्चा। चलो ठीक है, तो सब तू रहता नहीं ओबरा खानी सब बताइयो जाए। तो आज मम्मी के दोस्त आई है सखी। आजकल भाई में समय नहीं मिलता, हमारे सहेली के पास पढ़ाई करती है ना, ट्यूशन भी जाती है, स्कूल भी जाती है, तो हाँ सखी तो इसीलिए नहीं मिलने आती है, सही है ना, पढ़ाई करती है, रास्ते में तो मिल ही जाती है कभी कभी। आज याद आई ले सखी, बहुत दिन के बाद याद आई ले ना हमारे, जाए तो लोग दल बदल ला, तुहू दल बदला तार हमारा से। हाँ सखी तार भाई हो जब दल बदले नहीं कैसे बना रहे। तो माई को एक छत पे बना रहा है, वहाँ पे बनाएगा, अभी सब बच्चे उच्चे आ रहे हैं, मंदिर में पूजा है ना, तो देखिए वहाँ बना रहा है। इधर लाला जी प्रसाद तैयार कर रहे हैं, इधर भोग तैयार हो रहा शंकर जी के लिए। मम्मी यहाँ पे बना रही हैं सावन स्पेशल कालाकंद, और आज भाई कोई भी भैया नहीं आए हैं, सारा काम अभी हम लोगों ने रुकवा दिया है, ठीक है आज के लिए, क्योंकि आज हमारे इधर पूजा भी है, फिर हम लोग बिजी रहेंगे, तो इसीलिए भैया लोगों को मना कर दिया ना, मम्मी बोला कि आप लोग कल आना, और भैया ने बोला हमारे इधर भी आज थोड़ा काम है, इसीलिए आज की छुट्टी है। क्या बना रहे हो मम्मी आप? कलाकंद। कलाकंद, इसको बनाने के लिए कोई कला नहीं चाहिए ना मम्मी, इसीलिए इसका नाम है कलाकंद। फूल तुर के लिए अमरूद भी तोड़ना है प्रसाद के लिए। चलो तो भाई यहाँ से अमरूद लेंगे सारे पके पके, और ऊपर का मौसम बहुत मस्त हो गया है। तो ये आ गए हमारे अमरूद, कोई पूजा हो रही है, हम लोग भी चल रहे हैं फूल लेकर आ रहे हैं, बस सभी लोग तैयार हैं। सारे फूल ले रहे हैं, ठीक ये कुछ गुलाब के फूल भी ले लेते हैं, बहुत सुंदर हैं। बेल पत्तर नहीं होता है, बेल का पत्तर।
इसी में डाल दो। कौन बढ़िया होता है ऐसा वाला? तीन पत्ता जितना। और ये सब देखा, सब तीन तीन पत्ता का ही है। तोरी और भिंडी लेंगे। अंजलि तोरी तोड़ रही है। हाँ, ऐसी पतली पतली दाल में डालनी है। पापा वहाँ पे भिंडी तोड़ रहे हैं। खोजी भी आ गए थे। करो खाने की तैयारी हो रही है भाई। एक बजे का खाना। दाल के लिए हमारी तोरी कट रही है और भिंडी की भुजिया बनेगी। और मम्मी यहाँ पे अभी भी बना ही रही है अपनी रेसिपी। इसको बहुत टाइम लग जाता है बनने में। यहाँ पे भाई अंजलि आई है आज, तो भिंडी की भुजिया बनाने के लिए दे दिया मम्मी ने। बोला कि चूल्हे पे बड़ा टेस्टी लगता है तो बनाओ आज बेटा। अंजलि देखो चूल्हा वूल्हा जला के बना रही है। ना भाई आगे तू जलाएगी ना भाई। शिव चाचा है तो मम्मी ने मिठाई बनाई है। और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, माइक टेस्टिंग हो रही है अभी। हाँ, पर हमारी पूरी थाल तैयार हो गई है। आ जाएगा, सबको आ जाएगा। कटिंग करो। ये
परेशान देखो किन्ने कर रखा है ये देखो भाई। तो ऐसे बगाने पे नहीं भाग रहे, ऐसे मम्मी ने बुलाया तो आगे तू तो कीर्तन गईल पहले तार तो मिलो का ढेर बारिश आ रही है फटाफट फटाफट। बारिश होते कोने में बैठ गए हैं। अलग 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 तो पता ही है आपको। ये रहा मम्मी, इसको इसको पता है भाई, ये असली माल लिया मम्मी। तो खूब सारा बारिश आ गया और आप लोग भी शंकर जी का प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और हम लाला जी को देखिए दे देते हैं। और भाई इतना बारिश आ गया, इतना तेज बारिश आ गया कि बारिश में भीग गए हम लोग, खूब भीगे, खूब मजा आया। ला जी घेवर आ गया।